नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अपना जो देश है भारत, इसका पूरा नाम जानते हो क्या है? भारत गणराज्य, यानी डेमोक्रेसी है अपने यहाँ। और डेमोक्रेसी में उत्सव होते रहते हैं हमेशा, चुनाव वाले उत्सव भाई। तो 5 राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है, पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं एकदम से, तन मन धन से। तो 2 किस्म का कैंपेन चल रहा है, एक फील्ड पर और दूसरा सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया माने? हाँ, मोबाइल वाला। सारी पार्टियां ये दिखाने में जुटी हैं कि उनके नेता की रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ जुट रही है। ऐसी ही एक वायरल पोस्ट हमको हमारे एक पाठक ने भेजी। पोस्ट में दावा किया गया था कि राहुल गांधी की रैली में ऐसी भीड़ आई, ऐसी बमचक भीड़ आई, पूछे मत। क्या है वायरल पोस्ट में ये भी जान लीजिए। जिसको अपार भीड़ कहते हैं ना, वही है। एक बड़े से मैदान में खचाखच लोग भरे हैं। ऊपर दाहिनी तरफ राहुल गांधी के चेहरे वाला मार्क लगा है और फोटो में नीचे की तरफ लिखा है, राहुल गांधी की बीकानेर सभा में उमड़ी 25 लाख की भीड़, टूट गया इंदिरा गांधी का पुराना 20 लाख का रिकॉर्ड। तस्वीर शेयर करते हुए जो मैसेज लिखा गया है कि इंदिरा के पोते ने तोड़ दिया इंदिरा का रिकॉर्ड। तो भैया, पहले तो ऐसा है कि इस तस्वीर का सच जान लीजिए। ये फोटोशॉप तस्वीर है। जी हाँ, ये वही मंत्र है जो मारने से कुछ भी बन जाता है आजकल। मतलब असली तस्वीर को उठाया गया, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज चिपकाया गया। ऊपर राहुल गांधी की जो फोटो लगी है वो भी ऐसे ही जोड़ी गई। असली तस्वीर हमको मिली गेटी एजेंसी पर। ये जो है एजेंसी, ये तस्वीरें सप्लाई करती है, फोटोशॉप वालों के नहीं, सबको, पूरी दुनिया को। तस्वीर पर लिखे कैप्शन से पता चला कि ये बीकानेर की नहीं, हरियाणा की फोटो है। 10 नवंबर 2013 को खींची गई गोहाना में, हरियाणा के मुख्यमंत्री उस टाइम के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक रैली थी, उसी रैली की फोटो है ये। राहुल की बीकानेर रैली की तस्वीरें भी देख ही लीजिए अब आ गए हैं तो। 10 अक्टूबर को राहुल गांधी बीकानेर में थे, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने गए थे। ठीक ठाक भीड़ थी भाई उसमें, कुछ ऐतिहासिक जैसा नहीं चलेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि भारत में ऐतिहासिक रैलियां होती ही नहीं हैं भाई। 125 करोड़ की जनसंख्या आया, रैलियाँ वैलियाँ बहुत हुई हैं। आंध्र प्रदेश के वारंगल में एक रैली हुई थी, तेलंगाना महागर्जना, ये अलग तेलंगाना राज्य की मांग के समर्थन में बुलाई गई रैली थी। इसमें 12 से 15 लाख लोग शामिल हुए थे। वो काफ़ी बड़ी रैली थी। कहते हैं कि 1969 में तमिलनाडु के अंदर CN अन्नादुराई के अंतिम संस्कार पर करीब 1.5 करोड़ लोग जमा हुए थे। वैसे जिस तरह कांग्रेस राहुल की बीकानेर रैली को ऐतिहासिक बता रही है, वैसा BJP भी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक रैली की थी, तब BJP ने दावा किया था कि ये सबसे बड़ी रैली है, बहुत बड़ी। पटना के गांधी मैदान ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं। फिर चाहे वो 1974 में JP की बुलाई ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति रैली हो, या 1995 में लालू यादव का गरीब रैला। लालू की इस रैली में 4 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। तो ये जो जांच पड़ताल है, ये हमारी साथी स्वाति ने की थी। आपको कैसी लगी ये हमको ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। और भी अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आ रहा है जिस पे आपको संदेह है, तो हमको मेल कर दीजिएगा lallantopmail@gmail.com पर। और वीडियोस देखने हमारे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और उससे भी पहले आ जाएगा ये हमारे ऐप पर, तो दी लल्लन टॉप ऐप ढूंढ करके इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।